मैं प्रज्ञा आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर था वो मैंने अपडेट किया, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया कि मेरे फ़ोन की सेटिंग ख़राब हो गई। हो सकता है आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी अजीब सी लग रही हो, बट मैं इसको जल्दी कोशिश करूँगी कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो आज की वीडियो में मैंने एक चैलेंज लिया है जिसमें मैं ब्राइडल मेकअप अंडर ₹20 करने वाली हूँ, एंड आई होप कि मैं ये चैलेंज को सक्सेस कर सकूँ, एंड आई होप कि आपको मेरा ये मेकअप जो है वो अच्छा लगेगा। और कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, दोनों की आईडी का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नाम है मेरे स्क्रीन पे। तो चलिए बातें नहीं करते, सीधे मेकअप स्टार्ट। ऑल राइट गाइज, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र जॉय का, जो कि ₹10 का आपको ईजी वे में मार्केट में मिल जाएगा। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं इस मेकअप लुक को अचीव करने के लिए, सब अंडर ₹20 है। तो आई होप आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आएगा। नाउ फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन, जो कि येलोइश अंडर टोन में आता है। और ये जो है फेयर, चूँकि मेरी जो स्किन टोन है वो थोड़ा येलो अंडर टोन है, इसलिए ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है। लेकिन अगर आप फेयर स्किन टोन के हो, आपका वाइट फेयरनेस है, तो आपके ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको लगा के मैं एक वेटी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, और इसी को मैं अपने नेक पर भी लगाऊँगी, क्योंकि आपको मेकअप के टाइम पर अपने नेक को अवॉइड नहीं करना है बिल्कुल भी। इसी फाउंडेशन को मैं थोड़ा सा आईलेट पर यूज़ करूँगी और मेरे डार्क सर्कल पे थोड़ा सा, यू नो, क्योंकि यही मेरे लिए एज अ कंसीलर वर्क करेगा, बिकॉज अंडर ₹20 कोई भी कंसीलर नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। नाउ अभी ये मैं यूज़ कर रही हूँ स्पिंज की बीबी पाउडर, जो कि आपको ईजी वे में ₹10 का मिल जाता है मार्केट में। छोटा पैक है ये, सबसे छोटा पैक। काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क करता है आपके बेस मेकअप को सेट करने के लिए और थोड़ा सा हाइलाइटिंग करने के लिए भी। अगर आप लूज़ पाउडर चाहते हो हाइलाइटिंग करने के लिए, तो आप जॉनसन का वाइट पाउडर, चूँकि वो होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे आज मैंने यूज़ नहीं किया, वो भी था मेरे पास, लेकिन अगर आप चाहो 3D इफेक्ट देना, तो आप उसको उससे अपने फेस की, यू नो, हाइलाइटिंग कर सकते हो। मैंने बहुत से वीडियोज़ में बताया है कि 3D इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप उसको यूज़ करिए। नाउ अब मैं यूज़ करूँ, अब स्टार्ट करती हूँ अपना आई मेकअप। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो ब्राउन पेंसिल होती है, लिप पेंसिल, उसको यूज़ किया है अपनी क्रीज को बिल्डअप करने के लिए। देन मैंने यहाँ पे रेड पेंसिल यूज़ किया है और उसको मैं पूरी आईलेट पे और आउटर वी पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि मेरा जो लहंगा है उसमें पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन है और गोल्डन का, तो मैं वही कलर्स को इंक्लूड करूँगी अपने आई मेकअप में। ब्लेंड करने के बाद मैं उसी ब्राउन पेंसिल को अपने आउटर वी पे लगा के उसे एक पॉइंटर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी, थोड़ा सा, यू नो, डेप्थ देने के लिए। और उसके बाद में एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसी फाउंडेशन से मैं कट क्रीज ड्रॉ करूंगी, और फिर उसके बाद उसके ऊपर मैं लूज ग्लिटर लगाने वाली हूं, जो कि अंडर ₹20 ही आता है। इसके बाद में मैं लगाऊंगी सबसे पहले इसको सेट करने के लिए, यू नो, थोड़ा सा बेस देने के लिए ग्लिटर को, एक लिक्विड गोल्डन आईलाइनर, और ये भी मैंने ₹20 का ही लोकल मार्केट से ख़रीदा है, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। टच वुड, मैंने इसी मेकअप लुक के लिए ही इसको परचेस किया था, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये मेरे लिए वेरियस वेज में वर्क करेगा जब मैं और ड्रामेटिक आई लुक्स क्रिएट करूँगी। और सॉरी गाइज, आज थोड़ा सा एक्चुअली मोबाइल की सेटिंग थोड़ी गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपको येलो का बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको जल्द ही ठीक करने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे मैं ये गोल्डन कलर का लूज ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलेट के ऊपर। पहले मैंने थर्ड आईलेट पर लगाया था, फिर उसके बाद मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर पूरे ही अपने आईलेट पर लगा लिया है लास्ट में, जब आप आई मेकअप देखोगे मेरा। और उसके बाद में फिर मैं लाइनर और काजल लगाया है मैंने, वो भी मुझे ₹20 का ही मिला था लोकल मार्केट में। और उसके बाद में यहाँ पे मेरा आई लुक कंप्लीट होता है, और मैंने फॉल्सीज भी ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली है। अब यहाँ पे मैं अब करूँगी कंसीलिंग, अब फेस मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो मैं इसी फाउंडेशन को एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको अपने डार्क सर्कल पे, मेरे जो भी फेस के हाई पॉइंट्स हैं वहाँ पे लगा के एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी, थोड़ा सा, यू नो, इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि कंसीलर तो आता नहीं है ₹20 में, तो आप फाउंडेशन से ही काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप फाउंडेशन से कंसीलर बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने कंसीलर यानी कि फाउंडेशन को अच्छे से कर दूंगी ब्लेंड।
ब्लेंडिंग का बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। और आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो मैं मेरे मेकअप वीडियोस को कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज़ मुझे अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं आया है कि मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं फिर आपके साथ में शेयर करूँगी अपने मेकअप लुक्स। तो इस तरह से मैंने अच्छे से इस कंसीलर को ब्लेंड कर दिया है एंड उसके बाद उसी पाउडर से मैं अपने कंसीलर की करूँगी बेकिंग, यानी कि फाउंडेशन की करूँगी बेकिंग। और थोड़ा सा अपने आई लुक को और ड्रामेटिक दिखाने के लिए इस तरह से अपने पूरे फेस पे स्पिंजी के पाउडर को मैंने लगाया है। आप चाहो तो आप जॉनसन बेबी का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन मेरे मुझे जो सामने दिख गया मैंने उसी को यूज़ कर लिया। और इसके बाद में 5 मिनट आपको रखना है इस पाउडर को एंड देन डस्ट ऑफ कर देना है। उससे आपके फेस पे अच्छा सा डायमेंशन आएगा और आपका फेस जो होगा वो हाईलाइट लगता है। तो इस तरह से मैं पूरे फेस में से इस पाउडर को डस्ट ऑफ कर दूंगी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी। एंड हैप्पी होली, कैसी रही आप लोगों की होली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी होली बहुत अच्छी रही, मेरी स्टोरी देख लीजिएगा, उस पर आपको एक टिकटॉक का वीडियो मिल जाएगा और मैंने एक दो फोटोज़ भी डाली थी। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे तो पूरी ही अपडेटेड थी, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं कर लिया कर लीजिए, वहाँ पे आप मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहेंगे। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये ADS की आईब्रो पेंसिल यूज़ की है, 10 रुपये की जो आती है, और पहले तो ये 5 रुपये की आती थी, पहले तो हम लोग यही यूज़ करते थे, अब तो ये 10 रुपये की हो गई है। फिर कॉन्टोरिंग के लिए मैं उसी ब्राउन पेंसिल से अपने फेस की करूँगी कॉन्टोरिंग और उसको एक कॉन्टोर फ्लैट कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ब्लश के लिए मैं अपनी ये पिंक कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरी काफ़ी पुरानी लिपस्टिक है, और इसी को मैं अपने चीक्स पे लगा के उसको अच्छे से कर दूँगी ब्लेंड। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगी एक ब्लश की तरह, और ये बिल्कुल क्रीम ब्रश की तरह वर्क करता है। और इसी ब्लश को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि सारा जो कमाल होता है वो होता है ब्लेंडिंग का और कलर्स का, आप किन कलर्स के साथ खेल रहे हो मेकअप में और कैसे ब्लेंडिंग कर रहे हो। हाईलाइटर के लिए ये मैंने 20 रुपीज़ का अपने घर पे ही एक लिक्विड हाईलाइटर बनाया था, अगर आप लोग इसका वीडियो चाहते हो पर्टिकुलर देन कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सटल सा हाईलाइटर, अभी आपको ओवर लग रहा होगा, बाकी फिर मैं लास्ट में इसकी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब जिस लिपस्टिक को मैंने एज अ ब्लश यूज़ किया था उसको लगाया है मैंने, और उसके ऊपर ब्लू हेवन की ये लिपस्टिक मैंने यूज़ की है रेड कलर की, और इन दोनों को मिक्स मैच करके मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरे जो लहंगा है उसमें पिंक कलर दिया है इसलिए मैंने इस लिपस्टिक को अप्लाई किया है। सो हेयर इज माई फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आपने बाकियों को सपोर्ट किया है प्लीज़ मुझे भी करिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। सो चलिए मैं चलती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।